हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे थे स्व घोषणा पत्रों को लेकर, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, ओरिजिनल किस प्रकार का आपको बनवाना होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। आपको पहले तो देख लेना है ये स्व घोषणा पत्र किन किन प्रकार के होंगे, यानी नाम से, जैसे मूल निवास के संबंध में आपका होगा, साथ ही साथ आपके संतान से संबंधित होगा, इनके अलावा आपका दहेज नहीं लेने से संबंध में होगा, इनके अलावा आपके आपराधिक प्रकरण यानी कोई केस वगैरह उससे संबंधित है, इनके अलावा शैक्षिक और प्रशैक्षिक के संबंध में होगा, और इनके अलावा आपके धूम्रपान न करने के संबंध में होगा, इनके अलावा आपका दहेज नहीं लेने के संबंध में होगा, इनके अलावा आप विधवा है तो निश्चित तौर से उनके अलग से बनेगा ये, यानी अलग से मतलब जो नहीं है उन्हें से कोई संबंध नहीं है, बाकी जो है उनके संबंध में है, ठीक है। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको डिटेल भर जाएगी, आपके नाम, पिताजी का नाम और निवास और बाकी फ़ोटो और साथ ही साथ जो भी लेक्चरर होता है उसके सिग्नेचर और मोर लग जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल किस प्रकार का होगा। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे दहेज का है तो ये स्टाम्प होगा, एफिडेविट होगा, 50 रुपये का फी वगैरह होती है वहाँ से लेके, उसमें सभी जानकारी वो खुद ही फिल कर देंगे, नाम पता और जो जाति वगैरह आपसे पूछेंगे, बाकी सभी चीज़ें लिख देंगे। ओरिजिनल किस प्रकार का होगा वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का आपको बनवाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं और भी जानकारी देना चाहूँ, जैसे संतान से संबंधित है तो इसके लिए भी इस प्रकार का होगा, ठीक है। इनके अलावा जैसे कि मूल निवास को लेकर है तो इस प्रकार का होगा, ठीक है। इनके अलावा और भी देख लेते हैं, यानी जो इससे संबंधित जो भी ओरिजिनल बनवाने होंगे ना, मैं उन्हीं की जानकारी दे रहा हूँ जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी में मांगे गए थे। ये स्व घोषणा पत्र है, शैक्षिक प्रशैक्षिक इस प्रकार का आपका ओरिजिनल बनवाना होगा। इनके अलावा है जैसे कि धूम्रपान न करने के संबंध में इस प्रकार का होगा, और दहेज नहीं लेने के संबंध में ये हमने बात कर ली थी, साथ ही साथ विधवा अगर ये हैं तो वो बनवा सकते हैं इनका, और ये करैक्टर की बात कर ली थी। ये ही मोस्टली थे जो आपके स्व घोषणा पत्र थे, जो आपके जैसे मान लीजिए रीट 2021 की वैकेंसी हुई थी ना, तो उसके बाद आपके जैसे कट ऑफ आई थी दो गुना की कट ऑफ आने के बाद आपको एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई थी, उस चेक लिस्ट में जो सिक्वेंसलर यानी जो भी डॉक्यूमेंट थे उसी क्रम में हमें लगाने थे, तो उसमें ये स्व घोषणा पत्र मांगे गए थे। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उनमें ये मांगे जाते हैं ओरिजिनल। और जो एक जानकारी ध्यान रखना है, ये जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मा है ना, ये आपकी रीट 2021-22 हुई है ना उसके संबंध में है, जबकि अभी रनिंग में वैकेंसी चल रही है 22-23 की, तो निश्चित तौर से ये परफॉर्मा है ना ये कट होके आएगा, यानी आपके नया जो परफॉर्मा आएगा इसमें आपकी जो अभी रनिंग में जो चल रही है वैकेंसी उसकी डेट लिखी आएगी। तो निश्चित तौर से आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है तो उसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा उसके संबंध में, यानी ये स्व घोषणा के पत्र के संबंध में और बाकी जो भी डिटेल है उनके संबंध में। तो निश्चित तौर से तभी बनवाएं, अभी आप ना बनवाएं। जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इनके अलावा डिग्री, डिप्लोमा और इनके साथ साथ इनके प्रमाण पत्र, और इनके अलावा जो आपका मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अन्य चीज़ें हैं ना, उन्हें कंप्लीट करा लीजिए जब तक। और निश्चित तौर से मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन में निश्चित तौर से आपका ये इनके संबंध में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो भी अन्य जानकारियाँ छूट रही हैं उनसे संबंध में आपका नोटिफिकेशन निश्चित तौर से मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।